Hello students, let me start probability distribution. Now basically there are two kind of distributions we have to study. First is discrete distribution and second is continuous distribution. Discrete distribution and continuous distribution. What is difference between discrete and continuous? If a variable for which we are constructing a distribution is discrete, ऐसा वेरिएबल हो जिसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं वो डिस्क्रीट हो. डिस्क्रीट का मतलब होता है असतत, जो कंटिन्यूअस ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन क्लास, ये कैसा एग्जाम्पल है? इट इज डिस्क्रीट एग्जाम्पल. ये या तो वन होंगे या टू होंगे या थ्री होंगे फोर होंगे, कोई 2.5 3.5 ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे. सो द वेरिएबल विच कैन अज्यूम्स ओनली अ पर्टिकुलर वैल्यूज विद इन अ क्लास, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं? वेन अ वेरिएबल कैन अज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे. अगर किसी दिन का टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है वेरिएबल. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर वैल्यू ही अज्यूम करे, मतलब 10 के बाद डायरेक्ट 11, 11 के बाद डायरेक्ट 12, ऐसा नहीं होता. देन इट इज नोन एज कंटिन्यूस वेरिएबल. फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल वी हैव मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस, बट इन योर सीपीटी लेवल वी हैव टू स्टडी ओनली टू ऑफ देम. फर्स्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. We have to study characteristics of this two distribution, but there is another distribution जिसका खाली नाम आपको पता होने चाहिए, थोड़े बहुत समय उसके भी, वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. When we are talking about continuous distribution, there are mainly the most important continuous distribution is normal distribution. सबसे ज्यादा use होता है normal distribution. Whenever the variable follows normality, we have to apply normal distribution. Second जो है वो है chi square distribution. इसे CHI लिखा जाता है, बट प्रोनाउंस होता है उसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड, इन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं ओनली ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट आपको पता होना चाहिए ये सभी नाम कि कौन कौन से कंटिन्यूस में है. देयर इज टी डिस्ट्रीब्यूशन and F distribution. These four are in the category of continuous distribution. So there are two kind of distribution. First is discrete one, जिसमें हमें पढ़ना है binomial, Poisson and uniform. Second, continuous में हमें पढ़ना है normal distribution. उसके ही sums आएंगे, but बाकी ये तीन जो है उसके नाम याद रखने हैं हमें, chi-square distribution, T distribution and F distribution. Now let me first discuss the properties of binomial distribution. Binomial distribution सबसे पहले तो कब यूज करते हैं हम? When we have to use binomial distribution, कोई भी random experiment के साथ, किसी भी experiment के साथ, if there are only two outcomes associated with random experiment, either success or failure, हार या जीत, ऐसे दो ही outcome किसी experiment के साथ जुड़े हुए हो, then we have to use binomial distribution. Binomial, bi का मतलब होता है दो, nominal means outcomes. If there are only two outcomes associated with experiment, then we have to use binomial distribution. वो किसने बनाया था?
it was made by Bernoulli, so it is also known as Bernoulli's distribution. Uske characteristics, properties of binomial distribution. Properties of binomial distribution. सबसे पहला जो है वो PDEF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे डिनोट किया जाता है P ऑफ x से, और इसकी फॉर्मूला है NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x, वेर x अज्यूम्स वैल्यू फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n. तो यहां पे आप देख सकते हो 0 के बाद डायरेक्ट अज्यूम करेगा वैल्यू 1, 1 के बाद डायरेक्ट 2, 2 के बाद डायरेक्ट 3 एंड लास्ट वन n. जितने ट्रायल्स हो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस उसकी उतनी रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे व्हाट इज n, पहले ये समझ ले. n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल ट्रायल कितने हो रहे हैं उसे n बोला जाता है. x मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस, x मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब 5 ट्रायल में 3 सक्सेस मिले किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसको अगर हमें ढूंढना है देन वी हैव टू यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. p मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस होगा हमारा एक्सपेरिमेंट. सपोज इफ वी टॉस अ कॉइन और हमें ये ढूंढना है कि 5 में से 3 बार हेड मिले, तो हेड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमें ढूंढना है उसकी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं पी. पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सक्सेस मतलब क्या, जो हमें ढूंढना है दैट इज कंसीडर्ड एज सक्सेस. एंड व्हाट इज क्यू, क्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए उसको उसके पैरामीटर्स को जानना बहुत जरूरी है. तो हियर देयर आर It is biparametric. इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, n एंड p और q. n एंड p इसके दो पैरामीटर्स है. अगर आपको p के बारे में पता है तो q तो मिल ही जाएगा, या q के बारे में पता है तो p तो मिल ही जाएगा. तो इफ वी नो value of n and p in this distribution, then we can find out probability of any event. हम किसी की भी probability ढूंढ सकते हैं, क्योंकि x means what, जो हमें ढूंढना है, जितनी number of success हमें ढूंढनी है वो है x. If we understand p and q, then we can find out probability of anything. यहाँ पे mean of this distribution is np. एंड वेरियांस जो होता है इसका वो होता है एन पी क्यू. मीन इज एन पी एंड वेरियांस इज एन पी क्यू. सो ऑब्वियसली एन पी इज ग्रेटर देन एन पी क्यू, तो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियांस इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू. स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू. अभी हम बात करें ये कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है या स्क्यूड होता है, तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ पी. इट इज डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ पी. पी अगर इफ पी इज इक्वल टू हाफ, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. पी अगर 0.5 होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 0.5. अगर दोनों 0.5 होंगे तो इन दैट केस ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. Skew symmetric. If यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, if p is greater than half, probability of success is greater than half, then it is
negatively skewed, greater than half, उल्टा याद रखने का, greater than हो तो negatively skewed, p is less than half, then it is positively skewed. Positively skewed. उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मैक्सिमम वेरियंस, इसका मैक्सिमम वेरियंस कब होता है और कितना होता है, लेट मी डिस्कस अबाउट इट्स वेरियंस. प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेरियंस is at p is equal to half. जब p half होता है तब variance इसका maximum होता है. That implies variance का formula क्या है, variance is equal to npq. इसमें p half तो q भी होगा half, then it would be n by 4. तो maximum variance की formula जो रहेगी वो रहेगी n by 4. मोड जो है इसका, मोड दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन पी, और इसकी जो भी वैल्यू आए, सपोज इट इज 5.33, तो वी हैव टू कंसीडर ओनली दी इंटीजर पार्ट. तो द इंटीजर पार्ट ऑफ एन प्लस वन इंटू पी, इसमें नंबर ऑफ मोड्स कितने हो सकते हैं, तो इट इज यूनिमॉडल. यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोड्स जो होंगे वो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा. लेट वी रिवाइज ऑल दी प्रॉपर्टीज फ्रॉम बिगिनिंग. सबसे पहले उसका पीडीएफ जो है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स एक्स फ्रॉम जीरो टू एन. सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज बाई पैरामेट्रिक, और इसके दो पैरामीटर है एन एंड पी और क्यू. अगर q के बारे में पता है तो p के बारे में पता चल जाएगा. इट्स मीन इज इक्वल टू np, मीन की फॉर्मूला है np एंड वेरियंस की फॉर्मूला है npq. इट्स मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, np जो है वो npq से हमेशा ज्यादा रहेगा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ npq. इफ p इज इक्वल टू हाफ, अगर प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी तो ही ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज इट वुड बी स्क्यू सिमेट्रिक. इफ p इज ग्रेटर देन हाफ देन इट इज नेगेटिवली स्क्यूड, p is less than half, then it is positively skewed. The maximum variance of this distribution is when p is equal to half, p जब half होगा तब, so its maximum variance is equal to n by 4. मतलब आपको एक sum पूछे अगर के suppose n is equal to 16 and what would be maximum variance of binomial distribution, तो 16 by 4, n है 16, n by 4, 16 by 4 is 4. मोड जो है उसकी फॉर्मूला है एन प्लस वन इंटू पी, एन प्लस वन इंटू पी मोड की फॉर्मूला, उसका इंटीजर पार्ट. लास्ट प्रॉपर्टी जो है इट इज यूनिमॉडल. ये पूछते हैं इन एग्जाम के किस टाइप का होता है यूनिमॉडल, होता है नंबर ऑफ मोड्स होते हैं इसमें एक.